हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर में बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा प्रदेश के लगभग हर हिस्से में तबाही का मंजर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश ने जनजीवन तो अस्त व्यस्त कर ही दिया, साथ ही अब लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण लोगों की जान पर बनाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ और कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छुड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद, कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊंगा। कितने लोग फंसे हैं सर? अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल। अभी सर शिमला भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है, क्या स्थिति है ओवरऑल? नहीं, शिमला के अच्छी बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें। तो अभी मैं अभी सारी चीजों को देखते हुए यही कह सकता हूं कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री एक साल, हाँ ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है, इसलिए एक साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। धन्यवाद। इसके अलावा शिमला के समर हिल में शिव मंदिर में हुए लैंडस्लाइड में मलबे में दबे शवों को निकालने का काम अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड की टीमें मौके पर तैनात हैं। मलबे में 21 शवों के दबे होने की पुष्टि हुई है। अब तक 13 शवों को निकाला जा चुका है। प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। एक दो लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहां से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? हम देख रहे हैं मैन एंड मशीन डिप्लॉयड है, एनडीआरएफ के जितने लोग हैं बाकी कौन कौन है? एनडीआरएफ के अलावा यहां पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है, तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहां पर। ये जानना चाहेंगे क्योंकि जितनी बॉडीज रिट्रीव हो रही हैं वो डाउन स्ट्रीम हो रही है, तो क्या कोई जो सर्च ऑपरेशन है स्ट्रेटेजी बदलने का प्लानिंग है? यहां कह रहे हैं लोकल कह रहे हैं जो हॉल है जो हॉल खत्म जाता वहां बॉडीज हो सकती है, तो किस तरह से प्लानिंग चल रही है? जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज्यादा था तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है, इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है। दोनों एंड पे हम सर्च अभियान चला के रखा है हमने। शिमला शहर में सर दूसरी जगह पे भी एक लैंडस्लाइड हुआ था कृष्णा नगर एरिया में, जहाँ पे 6 बिल्डिंग कॉप्स हुई थी, वहाँ भी एनडीआरएफ डिप्लॉयड था। वहाँ की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, शायद एक बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ रेस्क्यू चल रहा है या सर्च ऑपरेशन क्लोज कर दिया? वहाँ पर भी हमारी एनडीआरएफ की टीम है और मैं कल रात में जब हादसा हुआ तो उसके आधे घंटे बाद मैं पहुंच गया था वहाँ पर हमारी टीम को लेके, और हमने 2 डेड बॉडीज रिकवर करी थी, एक कंप्लीट था एक का कुछ पार्ट था। तो उसमें सर्च अभियान अभी भी चला हुआ है और उसमें मलबा बहुत ज्यादा है और उसमें हम अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हैवी मशीनरी भी प्रशासन यूज कर रहा है, तो वहां भी दोनों एंड पे काम चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के कारण सटीक भविष्यवाणी कर पाना भी मुश्किल हो रहा है।
मौसम विभाग ने शुरुआत में अगस्त के महीने में मॉनसून कुछ हद तक कम रहने की आशंका जाहिर की थी, लेकिन अगस्त महीने में भी मॉनसून जमकर तबाही मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 5 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।